जी हाँ दोस्तों, सेना भर्ती में देना होगा कुंवारे होने का शपथ पत्र। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो ज्ञान पे। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आए हैं, सेना भर्ती में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उन नियमों के बारे में। फर्जीवाड़ा रोकने को नियमों में बदलाव किए गए हैं। पहले 21 साल से कम के विवाहित ही चुने जाते थे सेना भर्ती में। पहले अब अभ्यर्थियों को बताना होगा कि मैं कुंवारा हूँ। जी हाँ, सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब 21 साल तक के अभ्यर्थी को कुंवारेपन का शपथ पत्र देना होगा। मुख्यालय के सैन्य अफसरों का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। पिछले कुछ समय से भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद अब भर्ती के नियमों में फेरबदल का फैसला लिया गया है। पहले 21 साल से कम आयु के विवाहित युवक भी चुन लिए जाते थे। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ऐसे युवकों के घायल होने या मौत हो जाने पर उनकी पत्नियां सेना पर मुआवजे के लिए दावा ठोक देती थी। जबकि 21 साल से पहले शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, इस कारण सेना के सामने मुश्किलें आ जाती थी। लिपिक के लिए अब 12वीं में चाहिए फर्स्ट डिवीजन। जी हाँ साथियों, जो लिपिक वर्ग की भर्ती है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज किया गया है। उसमें अब 12वीं में चाहिए आपके फर्स्ट डिवीजन होना। सेना में लिपिक पद की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में भी फेरबदल किया गया है। अब अभ्यर्थी को 12वीं में 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। पहले केवल 12वीं पास से ही काम चल जाता था। इसके अतिरिक्त गणित और अंग्रेजी में 50 अंकों का होना भी जरूरी है। अब सभी अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड देना भी अनिवार्य होगा। जो भी साथी लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें बता दें कि 12वीं में 60% अंक लाना अनिवार्य है। पहले केवल 12वीं में पास से ही काम चल जाता था, लेकिन अब गणित और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट के अंदर 50-50 अंक होना जरूरी है और ओवरऑल 60% मार्क्स होना बहुत आवश्यक कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का आधार कार्ड होना उनके पास भी अनिवार्य है भर्ती के समय। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ बदलाव किए गए हैं सेना भर्ती के अंदर। इसके बाद आपको बताते हैं, जो आपका जो शपथ पत्र है जो आपको सेना भर्ती के दौरान लेके जाना है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपको वो शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा और आप उसे कहाँ से अटेस्ट करवाएंगे और उसमें क्या भरेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पे दिखाया गया अविवाहित प्रमाण पत्र है जिसको आपको अटेस्ट करवा के लेके जाना है। अगर आप किसी ग्रामवासी हैं तो अपने गांव के सरपंच सेक्रेटरी से आप इसे अटेस्ट करवाइएगा भर के, और अगर आप किसी सिटी के वासी हैं तो आप अपने सिटी के वार्ड से भी इसे अटेस्ट करवा सकते हैं। आपको ये प्रमाण पत्र हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें अपना ईमेल एड्रेस कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको ईमेल कर देंगे ये प्रमाण पत्र। इस प्रमाण पत्र में आपको भरना क्या है वो आपको बता दें। यहाँ पे आपको दिया गया, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आपका नाम, पुत्र श्री आपके फादर का नाम, निवासी आप कहाँ के रहने वाले हैं को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा मेरी निजी जानकारी के अनुसार आज दिनांक तक यह अविवाहित है। मैं इसे इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पे इसमें डेट लिखी जाएगी और हस्ताक्षर, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे हस्ताक्षर के साथ मोहर जरूर लगी हो, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो वार्ड का मेंबर हो। तो दोस्तों,
हमने आपको इस वीडियो में बताया कि सेना भर्ती के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको सेना भर्ती के दौरान लेके जाने हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।